Hi guys, welcome back to my channel Youth Care Creations. I hope you guys are doing great. And guys, first of all, I'm very sorry for posting this video so late because past 15 to 20 days bahut hi kharab rahe mere sath. I was admitted to the hospital due to dengue fever. Mera dengue bahut kharab ho gaya tha, admit karana pada. Uske baad hospital se discharge mila to meri body recover hi nahi ho pa rahi thi. Mujhe itni weakness thi ki video to dur ki बात है मेरे लिए. डेली एक्टिविटीज़, डेली घर का काम या जो भी बच्चों का देखभाल और ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. मतलब आई वॉज सो वीक. अभी भी मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है. हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही मुझे मिंत्रा फेस्टिव सेल्स के सारे पार्सल रिसीव हो गए थे, बट मैं किसी भी पार्सल को ओपन ही नहीं कर पाई थी. तो अभी आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई थॉट कि चलिए मैं आपके साथ पार्सल का रिव्यूज़ एक बार शेयर कर देती हूँ. सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, मेरा जो फर्स्ट आज का प्रोडक्ट होगा वो है ब्रांड वरांगा से. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मजेंटा पिंक कलर और गोल्डन कॉम्बिनेशन में ये कुर्ता है. मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका नेक दिखा देती हूँ. बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी इसमें की गई. ये जो इसमें वर्क किया गया है ना, दिस इज़ एम्ब्रॉयडरी वर्क. देखिए, गोल्डन थ्रेड से इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है. और ये जैसे जयपुरी प्रिंट, मांदनी प्रिंट होता है ना, सेम वही प्रिंट है. 3/4 इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएंगी और स्लीव्स में भी आपको इस तरीके के गोल्डन बॉर्डर दिए गए हैं. सेम आपको यहाँ भी दिया गया है. इसके पीछे आपको बैक में आपको कुछ डोरी भी दी गई है, ये देखिए. और डोरी में इस तरीके का डिटेलिंग दिया हुआ है. ए लाइन कुर्ता आपको ये मिलेगा और इसमें नीचे पैनल में भी आपको इसी तरीके की गोल्डन पाइपिंग मिलेगी. अनारकली कुर्ता है ये, बहुत ही सुंदर अनारकली कुर्ता है. पिक्चर्स में आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. मटेरियल इसका अगेन कॉटन है और बहुत ही अच्छा कॉटन मटेरियल है. तो आप चाहे तो इसको किसी के भी साथ पहन कर सकते हैं. जैसे मैंने इसे गोल्डन पजामे के साथ पेयर किया हुआ है और गोल्डन दुपट्टे के साथ. अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'8" के आसपास है तो आप इसको गोल्डन स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं. बहुत ही सुंदर पीस है और बहुत ही सुंदर आपको ये नेक की जो डिटेलिंग है ना, बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स आपको ये कुर्ता देता है. आप एक बार इसका आप क्लोज लुक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का डिज़ाइन है. बाकी कुर्ता मुझे तो पहनने में बहुत सुंदर लगा था. अगर आपको ये कुर्ता पसंद आए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और हाँ, इसका प्राइस आई थिंक मुझे कुछ 873 के आसपास पड़ा था, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट जो मेरा कुर्ता है वो है ब्रांड. मैंने इस ब्रांड से कभी कोई परचेज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं इसको परचेज़ कर रही हूँ. दिस इज़ कॉल्ड अनुभूति ब्रांड. प्याजी कलर इसे बोलते हैं. हाँ, प्याजी कलर का कॉटन कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता आपको ही मिलेगा. इसके साथ आपको प्लाजो भी मिल रहा है. नेक की डिटेलिंग की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो नेक में इसमें आप देख रहे हैं, ये हल्का सा यहाँ पे जो प्लास्टिक मिरर होता है ना वो इसमें लगाया गया है, प्लस सिल्वर एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया. आप पहले नेक का काम देख लीजिए. बिल्कुल यहाँ तक आपको ये मिलेगा नेक का वर्क. उसके बाद 3/4 आपको उसमें स्लीव्स मिल रही हैं. स्लीव में भी इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है सिल्वर कलर की. और इस ऑल ओवर आपको प्रिंट मिलेगा सिल्वर का, सिल्वर प्रिंट आपको मिलेगा. यस, अच्छा, पीछे इसमें आपको ना एक बेल्ट दी गई है, सो दैट अगर आपको कुर्ता लूज़ भी है ना तो आप उसको इस बेल्ट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं. और ये इसी तरीके से पॉम पॉम का डिटेलिंग दिया गया है. बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है ये. साथ में आपको उसको मिलेगा कॉटन का प्लाजो. नैरो बॉटम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो है ये. प्लाजो में नीचे बॉटम में भी आपको इस तरीके की डिटेलिंग दी गई है. इलास्टिक इसका वेस्ट है और इसमें भी आई थिंक आपको पॉकेट मिल रहा. और ये पूरा मटेरियल कॉटन मटेरियल है. और आई थिंक ये मुझे कुछ प्राइस में पड़ा था, कुछ 900 के आसपास का. मुझे अभी प्राइस बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks हो गए मुझे पास रसी के. मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे. नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना, मैंने एक ब्लैक साड़ी परचेज़ किया था मिंत्रा से ही. उसके साथ का मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज़ परचेज़ किया है. ये ब्लाउज़ आपको मिलेगा
उल्टा किया हुआ है, एक सेकेंड। तो ये ब्लाउज़ मिला है मुझे इंडस ब्रांड से, ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है। इसमें आपको देख रहे नेक में इस तरीके की नेट डिटेलिंग मिलेगी, सेम नेट का वर्क आपको इसमें स्लीव्स में मिलेगा। और स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है, आई थिंक ये वन साइज़ है, बहुत ईजिली मुझे आ गया था, तो शायद मुझसे थोड़ा सा और ज़्यादा जो बल्कि लेडीज़ होंगी उनको भी ये बहुत ईजिली ब्लाउज़ आ जाएगा। और इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, एग्जैक्टली आई थिंक 600 समथिंग का मुझे ब्लाउज़ पड़ा था। बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन का मुझे ब्लाउज़ लगा। आप इसको किसी भी साड़ी के साथ, जिसके साथ आपको लगता है कि आप ब्लैक ब्लाउज़ वेयर कर सकते हैं, उसके साथ आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। मुझे साड़ी के साथ भी ब्लाउज़ रिसीव हुआ था, बट मैंने वो नहीं बनवाया बिकॉज मुझे रेडीमेड एक ब्लाउज़ चाहिए था। ऑलमोस्ट कौन अब ये टेलर्स के पास जाके स्टिच करवाए, तो मैं अब प्रेफर करती हूँ कि मुझे रेडीमेड ब्लाउज़ ही मिल जाए। तो मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगा, मॉडर्न लुक देता है, तो आप चाहें तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो इंडस ब्रांड का है, तो फैब्रिक की क्वालिटी की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। नेक्स्ट जो मेरे पास कुर्ता है, कुर्ता नहीं है सॉरी, टॉप है, ये है। अब मैं इतने दिनों में ना ब्रांड भी भूल चुकी हूँ और मैंने एग्जैक्टली क्या क्या मंगाया था मैं वो भी भूल चुकी हूँ। तो नेक्स्ट जो मैं आपके सामने प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ वो है ऑल अबाउट यू ब्रांड से। ये एक ग्रीन कलर का सॉलिड टॉप है विद बीट्स डिटेलिंग। इसमें आपको ना कॉलर पे बीट्स की डिटेलिंग दी गई है। इसका फैब्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये आई डोंट नो, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। इसमें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आपको शायद ईजली क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा मिंट ग्रीन कलर का ये टॉप है। मैं आपके साथ मैं स्क्रीन पर इसकी पिक्चर आपको मेंशन कर दूँगी। पॉलिस्टर ये कपड़ा है। एज पर डिस्क्रिप्शन मिंत्रा ने जो डिस्क्रिप्शन इसका मेंशन किया है वो विस्कॉस रेयन है, बट ये विस्कॉस रेयन तो नहीं है, पॉलिस्टर है। अभी इस मौसम में आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। इसमें आपको इतनी मेगा स्लीव्स मिलेंगी और उस पर भी चुन्नट दी गई है। सबसे पहले मुझे इसका जो कॉलर था ना, मुझे इसके कॉलर में जो बीट्स की डिटेलिंग की गई है ना, मुझे वो बहुत सुंदर लगा था। तो डिस्काउंट के बाद आई थिंक मुझे ये प्राइस कुछ पड़ा था 373 के आसपास। आप चाहें तो इसको किसी भी वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ या जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। नेक्स्ट जो मैंने ब्रांड लिया है वो भी है ऑल अबाउट यू से। मैं आपको इसका ब्रांड दिखा देती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम ऑल अबाउट यू। ये ब्लैक एंड वाइट कलर का एक टॉप है। इसमें आपको देखेंगे आपको नेक में इस तरीके की डिटेलिंग मिलेगी, लेस की डिटेलिंग, प्लस आपको ये जो भी वर्क दिया गया है ना, ये सारा थ्रेड वर्क है, पूरा नीचे तक आपको थ्रेड वर्क मिलेगा। सेम थ्रेड वर्क आपको उस पर स्लीव्स पे मिलेगा। स्लीव्स इसको आई थिंक बेल स्लीव्स बोलते हैं शायद, और ये गोल्डन इसमें आपको बीच में प्रिंट मिलता है, बाकी वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। बहुत ही स्मार्ट पीस है ये। इसको अगेन आप किसी वाइट ट्राउज़र के साथ या फिर आप इसको किसी जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल ये विस्कॉस रेयन में है, और विस्कॉस रेयन भी एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर मैं कॉटन के बाद किसी मटेरियल को पसंद करती हूँ तो विस्कॉस रेयन है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन, और वही गर्मियों में पहनने लायक वो कपड़ा होता है। देख सकते हैं, मैं आपको एक बार इसका क्लोज लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही स्मार्ट पीस है, और आई थिंक मुझे ये डिस्काउंट के बाद कुछ 600 समथिंग का पड़ा था, आई एम नॉट श्योर। मैं स्क्रीन पे इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी, प्लस मैं इसकी क्लिपिंग्स भी आपको आइडिया के लिए दे दूंगी। नेक्स्ट जो ब्रांड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टोक्यो टोकीज का एक टॉप। बहुत ही सुंदर टॉप है ये, मरून सॉलिड कलर का टॉप है। ये कलर ना थोड़ा सा डार्किश में आया है, प्रॉपर मरून तो नहीं लग रहा था जो पिक्चर में, बट एनीवेज मुझे तो ये अच्छा लगा है। इसमें आपको ना स्लीव्स में इस तरीके की देखिए लेस की डिटेलिंग मिली है, सेम लेस की डिटेलिंग आपको आगे नहीं है, स्लीव्स पे दी गई है। इसमें आपको पीछे बैक साइड में आपको इस तरीके से की होल्स दिया गया है, की होल नेक दिया गया है। इसमें ना आपको 3/4 ये बेल स्लीव्स मिल रही है, और इसमें यहाँ पे ये इलास्टिक है, बहुत ही फाइन फैब्रिक है। ये अगेन विस्कॉस रेयन वाला फैब्रिक है,
तो इसको भी आप चाहे तो किसी भी वाइट कलर के साथ या फिर किसी भी जीन्स के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। सो गाइज दैट्स इट, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो गिव मी अ बिग थम्स अप, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।